नमस्कार मित्रों, आज मैं आया हूँ सनावद स्टेशन पर। मित्रों अभी पता चला है सनावद स्टेशन पर एक गुड्स के लिए साइडिंग बनेगी, यानी एक माल गोदाम भी बनेगा। ये उसी के लिए सर्वे कर रहे हैं, जगह देख रहे हैं साइडिंग बनाने के लिए। तो दोस्तों ये है सनावद, भले ट्रेन ना चले लेकिन सुख सुविधाएं रेलवे की दृष्टि से, रेलवे को जिससे मुनाफा हो उसके बारे में ध्यान दिया जा रहा है। एक गुड्स की साइडिंग डलेगी, पहले भी निमारखेड़ी में जब मीटर गेज थी तब भी वहाँ पर थी, और यहाँ सनावत से भी सामान लोड किया जाता था मीटर गेज ट्रेन में। उसी प्रकार अब यहाँ सनावत में एक साइडिंग गुड्स के लिए डाल रहे हैं, ताकि उससे रेलवे को राजस्व मिल सके। तो ये एक और अच्छी खबर है, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर साइडिंग बनेगी तो गाड़ियाँ भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ की क्या स्थिति है ये आपको दिखाने के लिए। तो ये स्टेशन का CRS हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, परंतु आज तक यहाँ पर कोई पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीटर गेज के टाइम पर एक ये महत्वपूर्ण स्टेशन था, आप देख सकते हैं क्योंकि कोई गाड़ी नहीं चल रही है। तो अभी स्टेशन मास्टर ऑफिस भी बंद है, आप देख सकते हैं स्टेशन की स्थिति क्या हो रही है। सब जगह गंदगी गंदगी पड़ी है, रख रखाव कुछ नहीं हो रहा है अभी। ये है टिकट विंडो, ये बाहर का नज़ारा। चलिए अंदर चलते हैं वापस। ये यहाँ फिलहाल में 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ का CRS होने के बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि मथेला से यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट होगी, परंतु वो भी नहीं हुई। उसके बाद में भी कुछ समय पहले ही दिसंबर में जब खंडवा बाईपास केबिन तक का CRS हुआ, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी खंडवा से यहाँ के लिए, परंतु रतलाम डिवीज़न इस मूड में नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट की जाए, क्योंकि जो भी ट्रेन चलेगी उसके मेंटेनेंस का जिम्मा कौन उठाए। इस वजह से ये तीनों जोन और तीनों डिवीज़न के बीच में चल रहा है लफड़ा, रतलाम डिवीज़न, भुसावल डिवीज़न और भोपाल डिवीज़न। तो दोस्तों यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कैसी हो रही है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ ट्रेन स्टार्ट होए, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।